मुख्तार अंसारी की करीबी सपा नेता फराज की बढ़ी मुश्किलें, कभी भी उसके घर चल सकता है बुलडोजर। जिला कारागार रगौली में बंद रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास और बहू निकहत की मदद करने वाले सपा नेता फराज खान पर योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। शनिवार शाम चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सचिव ने सपा नेता के पिता मुन्ने खान को 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण का स्वयं ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। शासन प्रशासन की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की विधायक बेटी अब्बास व बहू निकहत बानो की जिला कारागार में अधिकारियों से साठगांठ कर गैर कानूनी तरीके से मिलन कराने और उनके परिजनों की कवि शहर में मदद करने में अहम भूमिका निभाने वाले चित्रकूट के सपा जिला फराज खान पर शासन प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी की बहू निकहत को 4 दिनों तक अपने घर में पना देने वाले सपा नेता को गिरफ्तार कर लखनऊ जेल भेजने के बाद अब शनिवार को चित्रकूट की विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में पिता मुन्ने खान को अवैध निर्माण ढहाने का नोटिस दिया है। प्राधिकरण द्वारा दिए गए नोटिस में कहा गया है कि प्राधिकरण से 5 मार्च 2002 को बांदा प्रयागराज मार्ग स्थित द्वारिकापुरी पुरानी बाजार में सड़क सीमा से 35 फीट छोड़कर बनाई गई 3 दुकान दर्शाते हुए मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। बताया गया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़क सीमा को कवर करते हुए 4 फीट अतिरिक्त निर्माण एवं स्वीकृति मानचित्र पर दर्शाए गए से सेटबैक को कवर करते हुए निर्माण करा लिया गया है, जो अवैध है। प्राधिकरण की सचिव की ओर से जारी नोटिस में सपा नेता के परिजनों को 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है, यदि उक्त अवैध निर्माण का प्राधिकरण को गिराना पड़ा तो गिराने में आए व्यय का मालगुजारी के रूप में वसूला जाएगा। प्राधिकरण के इस बड़ी कार्रवाई से मुख्तार के गुर्गे सपा नेता के करीबियों में हड़कंप मचा हुआ है।